गाइज आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि मैं यहाँ पर लोगों की फ्री में चैनल को मोनेटाइज करवाता हूँ। उनके चैनल पर कोई भी प्रॉब्लम आती है या उनके चैनल पर 1,000, 2,000, 3,000 सब्सक्राइबर है और यहाँ पर उनसे उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पा रहा, तो बहुत सारे लोग मुझे वॉइस कॉल करते हैं और मैं सबकी फ्री में हेल्प करता हूँ। बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से डोनेशन देते हैं, जिसका जितना बजट होता है, कोई 200, 400, 500, 1,000 रुपये देता है जिसका जितना बजट होता है, और जिसके पास पैसा नहीं होता वो नहीं देता है। मैं उनसे कोई लेना देना नहीं है मेरा, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर फ्री में हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो इसी के चक्कर में। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे नए क्रिएटर्स के साथ में YouTube पर फ्रॉड हो रहा है, ये आपको अच्छे से पता है। नए क्रिएटर्स से पैसा ले लिया जाता है 2,000, 3,000, 4,000 उनके चैनल को मोनेटाइज करने के लिए, और बाद में उनके चैनल को मोनेटाइज भी नहीं करते और फ्रॉड हो जाता है। लेकिन यहां पर मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है, और यहां पर फ्रॉड किसने किया, और वो भी छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 20,000 रुपए का अमाउंट है, 20,000 रुपए का मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। और आप लोग मुझे बताओ कि मैं गलत हूं या बंदा वो सही है, या वो गलत है या मैं सही हूं, आप लोग मुझे खुद बताओ। देखो गाइस, यहां पर आप लोगों को अच्छे से पता है कि मैं सिर्फ नए क्रिएटर के चैनल को फ्री में मोनेटाइज करवाता हूं और वो अपनी मर्जी से डोनेशन देते हैं, मैं यहां पर पैसे की डिमांड नहीं करता हूं। लेकिन यहां पर जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं जिनके चैनल पर 20,000, 40,000, 80,000, 1,00,000, 4,00,000, 5,00,000, 3,00,000 सब्सक्राइबर है, उनके चैनल को मोनेटाइज करने के लिए मैं यहां पर पैसे चार्ज करता हूं। वो इसलिए क्योंकि उनका चैनल पहले मोनेटाइज था, उसके बाद यूट्यूब ने डीमोनेटाइज कर दिया, कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से यूट्यूब ने डीमोनेटाइज कर दिया और उनकी YT स्टूडियो में पेमेंट फंसी हुई, चाहे वो $800 हो, $700 हो, या $1,500 हो, या $3,000 हो, यहां पर मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे बस चैनल मोनेटाइज करना है, तो यहां पर मैं उनको अमाउंट बता देता हूं कि इतना अमाउंट लगेगा। ऐसे ही एक बड़ा चैनल मैंने मोनेटाइज कराया था जिस पर 5,00,000 सब्सक्राइबर है, वो बंदा नेपाल का रहने वाला है और यहां पर उसके चैनल का नाम है सैंडी गेमर, यहां पर आप देख सकते हो, और यहां पर ये अपनी वीडियोस के अंदर में डबिंग करता है बंदा। अब यहां पर इसके चैनल पर रियूज कंटेंट आ गया और इसकी YT स्टूडियो में लगभग $800-900 लगभग पड़ी हुई थी, मतलब कि 70,000-80,000 रुपए लगभग इसके YT स्टूडियो में पड़े हुए थे। और जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, जब तक ये जो पेमेंट है आपको नहीं मिलेगी, आपके एडसन में जुड़ेगी नहीं। और यहां पर एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूं कि अगर आपके चैनल पर कोई भी प्रॉब्लम आती है मोनेटाइजेशन से रिलेटेड और आपका चैनल डीमोनेटाइज हुआ था और आपके YT स्टूडियो में $100 हो या $400, $500, $800 हो, और अगर उसी बीच में आपका चैनल डीमोनेटाइज हुआ है, तो आपको 50 दिन के अंदर में अपने चैनल को मोनेटाइज करवाना होता है, वरना जो ये YT स्टूडियो वाला जो पैसा है वो आपका एक्सपायर चला जाएगा। इतना आपको अच्छे से पता है, और नहीं पता है तो मैं आज जो बता रहा हूं वो आप समझ लो। और यहां पर ये सैंडी गेमर है, इसके भी $900 से ज्यादा ही डॉलर थे YT स्टूडियो में। अब इसने मेरी कोई वीडियो देखा, उसके बाद मुझे इसने इंस्टाग्राम पर फॉलो किया, मेरे इससे वॉइस कॉल पर बात हुई, और यहां पर इसने मुझसे बोला कि सर मेरे चैनल को कैसे भी करके मोनेटाइज करवा दीजिए, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो मेरे यूट्यूब की कमाई से पूरी फैमिली मेरी चलती है, और यहां पर मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया है, मेरा बहुत बड़ा चैनल है और यहां पर मैं काफी ज्यादा डीमोटिवेट हो गया हूं। इससे मेरी वॉइस कॉल पर बात थी, उसके बाद मैंने इनसे बात करने के बाद मैंने कहा ठीक है मैं आपके चैनल को मोनेटाइज करवा दूंगा, लेकिन यहां पर आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा, 20,000 रुपए देना पड़ेगा। और ये बोलने लगा कि ठीक है सर 20,000 क्या, मैं आपको 30,000 रुपए दूंगा, लेकिन बस आप चैनल मोनेटाइज करवा दो कैसे भी करके। तो मैंने बोला ठीक है मैं मोनेटाइज करवा दूंगा। अब यहां पर मैंने इसका चैनल मोनेटाइज करवा दिया, तो इसने मुझसे बोला कि सर मेरी जो पेमेंट आएगी ना, जो 25-26 तारीख की, पिछले महीने की बात कर रहा हूँ, 25-26 तारीख को जो मेरी पेमेंट आएगी, जैसे ही पेमेंट आएगी वैसे ही मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। अब 25-26 तारीख को इसकी जो पेमेंट आ गई, उसके बाद यहां पर मैंने इसको बोला कि अभी तक आपने पेमेंट दिया नहीं, आपने पेमेंट मेरे अकाउंट में डाला नहीं, मैंने अकाउंट नंबर सब दे दिया इसको। उसके बाद मेरे से कह रहा है कि डायरेक्ट नेपाल का रहने वाला बंदा है, डायरेक्ट नेपाल से इंडिया में पैसा ट्रांसफर नहीं होता, उसके लिए IME नंबर होना चाहिए जिसका अकाउंट से लिंक होता है, और उसके बाद आप नेपाल से इंडिया पैसे ट्रांसफर कर सकते हो या इंडिया से नेपाल ट्रांसफर कर सकते हो। तो मैंने यहां पर उस बंदे को ढूंढा जो मेरा एक फ्रेंड का दोस्त है, वो नेपाल से ही है, तो उसका मैंने अकाउंट नंबर सब कुछ दिया डिटेल में। ये बंदा देने के बाद भी यहां पर मैंने उसको नंबर भी दिया, मतलब भाई तू बात करके उसको पैसे डाल देना उसके अकाउंट में। मैंने इतना सब कुछ करा और इस बंदे ने यहां तक अभी तक मैसेज नहीं देखे, काफी टाइम हो गया है, सोचो आप एक महीना होने वाला है, ये 26-27 तारीख को एक महीना हो जाएगा और अभी तक इसने पैसे नहीं डाले, और ये मैसेज तक नहीं देख रहा है, मैसेज का रिप्लाई तक नहीं दे रहा है। आप लोग देखो कि यहां पर आप सारे क्रिएटर्स के साथ में फ्रॉड हो रहा है, लेकिन यहां पर मैं एक यूट्यूबर हूं, भरोसे की बात होती है, भरोसे पर काम होता है, और यहां पर इससे बढ़िया तो मैं पाकिस्तान के लोगों को समझता हूं, हमारे इंडिया के लोग हैं जो उनकी मैं हेल्प करता हूं, तो वो मेरे को 500, 700, 800, 1,000 रुपए, जो छोटे छोटे चैनल होते हैं ना, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 सब्सक्राइबर, वो डोनेशन दे देते हैं, क्योंकि मैं अपना टाइम देता हूं आपके चैनल पर, और बहुत सारे लोग पैसा भी नहीं होता ना, तो वो मेरे से कहते हैं कि सर मेरी पेमेंट आएगी तो उसमें से मैं आपको दे दूंगा, मैं बोला कोई बात नहीं आपके पास होगा
होगा तो दे देना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर जिनके बड़े बड़े चैनल जो एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो लाख रुपए यूट्यूब से कमा रहे हैं वो लोग ऐसा कर रहे हैं गाइज। आप लोग सोचो नेपाल का बंदा है ये। अब मेरे को एक चीज समझ में आ रहा, नेपाल के लोग ऐसे होते हैं क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या क्या इतना गलत करते हैं ये लोग। आपको अच्छे से पता है कि मेरी यूट्यूब से इतनी इनकम नहीं है, मैं यूट्यूब से पैसे ज़्यादा नहीं कमाता हूँ। मेरी जो पेमेंट आने वाली है इस महीने की 26-27 तारीख को, 4 महीने बाद मेरी पेमेंट आ रही है, सेकंड पेमेंट। आप लोग देखो, और यहाँ पर जो भी मेरी कमाई होती है वो आप लोगों से डोनेशन, कुछ लोग आप लोग डोनेशन देते हो और कुछ लोग जो है बड़े बड़े जिनके चैनल में मोनेटाइज करता हूँ वो लोग मुझे अपनी मर्जी से या मेरा जो भी उनके साथ में बातचीत होती है पैसे की वो उस टाइम कर देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं मेरे पास दुबई से, सऊदी अरब से, और यहाँ पर क्या बोलते हैं अपना बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और नेपाल से, यहाँ से मेरे पास पैसे डोनेशन आए हैं। मैं सच बोल रहा हूँ आप लोगों के साथ में, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोगों से मैं क्या छुपाऊँ। लेकिन आप लोग बताओ कि इस चैनल के साथ में क्या करना चाहिए। और अगर ये बंदा मेरी वीडियो देख रहा है जिसका चैनल का नाम है सैंडी गेमर, ये बंदा मेरी वीडियो को देख रहा है, तो मैं आपको बता दूँ कि चैनल जब मैं मोनेटाइज करवा सकता हूँ ना, तो यहाँ पर मैं आपके चैनल पर इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी भी करवा सकता हूँ, या तो मैं आपके चैनल पर आपकी वीडियो को अपलोड करके आप ही की वीडियो से आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे सकता हूँ। इतना याद रखना। लेकिन आपने जो किया है बहुत गलत किया है। मेरी यहाँ पर मेहनत थी आपके चैनल को मोनेटाइज करने में, बट यहाँ पर क्या बोल सकते हैं गाइज, आप लोग मुझे बता दो बस। क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे से पता है मैं यहाँ पर मेरे वीडियोस पर इतने व्यूज़ नहीं आते कि मैं यूट्यूब से महीने का 50,000-60,000 या 1,00,000 रुपए कमा रहा हूँ। आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके चैनल मैंने मोनेटाइज कराए वो मेरी वीडियो तक नहीं देखते, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले गए। मतलब यहाँ पर लोग सिर्फ मतलब के लिए आते हैं और मतलब निकल जाता है तो फिर यहाँ पर आपको भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ जो है बहुत गलत लगी मेरे को, चाहे आप हो या दूसरे कोई व्यूवर जिन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे तो कैसे आगे बढ़ूंगा मैं गाइस। आप लोगों का काम निकल जाता है, आपके चैनल को मैं मोनेटाइज कर देता हूं, या फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको मैं सॉल्व कर देता हूं, आप मेरी वीडियो देखना ही बंद कर देते हो। तो यार मैं आप कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में, वो आपकी मर्जी है। शायद मेरे में कुछ कमी हो, या फिर मैं आप लोगों की सही से हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर आपको मेरे से कोई अच्छा बेटर यूट्यूबर मिल गया होगा, आप उसकी वीडियो को देख रहे हो तो आपको उससे नॉलेज मिल रहा होगा, तो ये हो सकता है। तो आप लोग मुझे बताओ कि मैं गलत हूँ या वो बड़ा यूट्यूबर गलत है, या फिर वो बड़ा यूट्यूबर सही है या मैं गलत हूँ, आप लोग मुझे बता दो। और ऐसी रहा तो फिर मैं चैनल मोनेटाइज करवाना ही बंद कर दूंगा। मैं अपने चैनल पर अपनी वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स देकर 1,000 सब्सक्राइबर, 4,000 घंटे का वॉच टाइम, व्यूज कैसे बढ़ाए, थंबनेल कैसे बनाए, इस तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स देकर अपने चैनल को मैं ग्रो कर सकता हूं, और यहां पर मैं अपने चैनल पर ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकता हूं। मैं फिर आप लोगों के लिए काम क्यों करूं, ये भी तो बात है ना, सबसे चीज यही इंपॉर्टेंट। और हो सकता है कि चैनल मोनेटाइज करवाना मैं अब बंद करवा दूंगा, सिर्फ अपने चैनल पर काम करूंगा, अपने चैनल पर ये करूंगा मैं। क्योंकि अगर ऐसे लोग रहेंगे तो फिर यार फायदा क्या, आप बड़े बड़े क्रिएटर्स को फॉलो कर रहे हो, बड़े बड़े क्रिएटर्स की वीडियो देख रहे हो, उनको आगे बढ़ा रहे हो, जो इतने टाइम से काम कर रहा है, इतने सारे चैनल मोनेटाइज करवा चुका है, इतने सारे लोगों से डेली बात करता, आधा से ज्यादा अपना टाइम देता है, उसको कोई सपोर्ट नहीं करता, उससे कोई मतलब नहीं रखता, बस मतलब निकल जाता, तो फिर आपको भूल जाते हैं। तो यही चीज मेरे साथ हो रहा है गाइस। बाय।